श्री शिवाय नमस्तो भीम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत आज के हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले हम आपको एक बार फिर कहेंगे, हमारी एक और चैनल यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी कई दिनों से रन कर रही है। वो उस चैनल को बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और आप लोगों का बहुत बहुत प्यार मिल रहा है। वो चैनल का नाम है हमारा शिव एस्ट्रो वास्तु। इसके अंतर्गत हमने लाल किताब के टोकड़े, टोटके और बहुत कुछ ऐसी नई नई चीज़ें बताई है। आपको परदेश जाना हो तो क्या उपाय कर सकते हो, आपके स्टडी के अंदर कोई विघ्न आता है तो उससे कैसे उसका निवारण कर सकते हो, मनचाही नौकरी के टोटके, बहुत सारी ऐसी हमने वीडियो वहाँ पे अपलोड की है। आप वहाँ पे जाके देखिए, वहाँ पे आपको वास्तु की टिप्स एंड टॉक्स भी मिलेगी और आपको छोटी छोटी ऐसी वीडियो रखी हुई है, उसके ऐसे ऐसे टोटके दिखा रखे हैं कि एक बार आप उस चैनल का एक बार विजिट लीजिए। आशा करता हूँ आप मेरे कहने से प्लीज़ एक बार उस चैनल पर जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। आपको 100% वहाँ पे बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा और आपको बहुत ही पसंद आएगा। और उसके साथ उससे भी अच्छी एक चीज़ ये होगी, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे और उसको लाइक करोगे, शेयर करोगे और तक ये अगर आप चैनल को पहुँचाओगे तो आपको जो चीज़ की अपेक्षा नहीं थी वो आशीर्वाद आपको मिलेंगे। उसका भी एक लॉजिक है, क्योंकि वो टोटके किसी की ज़िंदगी के अंदर कोई काम कर जाएंगे, उसको धन प्राप्ति कर जाएंगे, उसको विद्या प्राप्ति में सहायक होगा, उससे उसकी अच्छी नौकरी मिलेगी, तो शायद उसके डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो कहेगा कि इस बंदे ने मुझे वीडियो भेजा था, मैं वीडियो ने देखा और मैंने उस पर फॉलो किया तो मेरा काम हो गया। फ्रेंड्स, ये एक समाज सेवा है, कर भला तो हो भला। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो वास्तु का ही टॉपिक है और वास्तु का टॉपिक ये इतना बढ़िया टॉपिक है कि कई लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि हमारे घर के अंदर अगर वास्तु दोष है तो हम क्या करें, कौन सी दिशा कैसी है। हम दिशा को समझते नहीं है, दिशा को जानते नहीं है, बहुत कुछ यूट्यूब से देखते हैं, बहुत कुछ गूगल से डाउनलोड किया है, कुछ हमें समझ आ जाता है कि हमारी नॉर्थ यहाँ है, साउथ यहाँ है, ईस्ट यहाँ है, पर वहाँ की जो एनर्जी है ये एनर्जी क्या, ऊर्जा क्या, वहाँ तो कुछ मशीन नहीं दिख रही हमारे घर के अंदर। नॉर्थ में तो ऊर्जा एनर्जी की बात कहाँ से आई, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं है, बट वहाँ की जो ऊर्जा है उसको अगर पॉजिटिव करना हो, अगर आपका कोई काम बन नहीं रहा, अगर आपके घर के अंदर कोई पढ़ाई के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, आपके घर के अंदर बिजनेस के लिए कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, आपके घर के अंदर शादी ब्याह के अड़चन आ रहे हैं, आपके घर के अंदर संतान प्राप्ति के अड़चन आ रहे हैं, आपके घर के अंदर कर्जा हो चुका है, ये किसी के भी घर की बात है, क्योंकि इतने सारी प्रॉब्लम्स लेके हम चल रहे हैं ना, हर प्रॉब्लम्स का समाधान हमें भगवान तो दे ही देता है, पर तब तक हमें पेशेंट रखना होता है। पर आज का जो युग है वो फास्ट युग है, हम कोई ना कोई ऐसा शॉर्टकट देखते हैं बट शॉर्टकट से रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि रिजल्ट जो मिलेगा वो भगवान की मर्जी से मिलेगा और भगवान के अंतर्गत बनाए हुए शास्त्रों से मिलेगा। चाहे आप एस्ट्रोलॉजी चले जाइए, आप वास्तु में चले जाइए, आप न्यूमरोलॉजी में चले जाइए, बहुत सारे ऐसी गुड़ विद्या है, बहुत सारे ऐसे पुराण है कि आपकी समस्या का हल और वहाँ पे हर रास्ते हैं। बट आज की जो हमारी एपिसोड है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपने क्रिस्टल के बारे में तो सुना होगा, तो जितना क्रिस्टल पॉजिटिविटी में नंबर वन है, एक ग्रेट चीज़ है, वैसे ही अकीक के पत्थर, क्रिस्टल हमेशा वाइट कलर में मिलेंगे, ट्रांसपेरेंट कलर में मिलेंगे, पर अकीक का जो स्टोन है वो रंग बिरंगी हमारे 9 कलरों में मिलेंगे, जिसको हम 9 ग्रह कहते हैं। अब इस 9 ग्रह के अंदर भी एक स्पेस यानी एक उपरत्न होते हैं और एक रत्न होते हैं, जो रत्न उंगली में भी पहने जाते हैं और गले में भी पहने जाते हैं, वो अमूल्य होते हैं और उसकी कीमत बहुत होती है। और उपरत्न उसी रत्न का एक छोटा रूप होता है जो उपरत्न की संख्या में आता है, श्रेणी में आता है, जो सस्ता होता है और वो हम गले में भी पहन सकते हैं और अंगूठी में भी पहन सकते हैं। तो ये जो रत्न की श्रृंखला है ये बहुत ही पावरफुल है और 100% रिजल्ट देती है, क्योंकि ये रंत्रों का काम क्या है, रत्न जो भी कलर के होते हैं वो सूरज से आने वाली रोशनी को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं और वो जो कलर की वाइब्रेशन हमारे बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी हमारी ओरा के अंदर कोई कलर की माइनस पॉइंट होगा, कोई कलर की नीड होगी, जरूरत होगी, तो वो सूर्य प्रकाश की रोशनी के द्वारा और रत्न की ओरा के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करेगी और हमारी पॉजिटिविटी बढ़ाएगी। इसी तरह वास्तु के अंदर भी एक बॉडी है, वास्तु पुरुष की, वास्तु पुरुष की बॉडी के भी कई अंग है, जैसे हमारे अंग है वैसे उनके भी अंग है। वास्तु पुरुष का भी मस्तक है, हमारा मस्तक है, हमारा भी नाभि स्थान है, उनका भी नाभि स्थान है, हमारा भी दाया घुटना है, उनका भी दाया घुटना, दाया पांव, बहुत कुछ सेम। एक वास्तु पुरुष एक नामक वहां पे एक इंसान ही सो रहा है जो देवी देवताओं यानी शंकर भगवान के युग से प्रसिद्ध है और बहुत ऐसी दंत कथा है। तो फ्रेंड्स,
वो दंत कथा में हम नहीं जाएंगे, हम आज टॉपिक को लेके बढ़ रहे हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी। फ्रेंड्स अब आज हम आपको बताते हैं आपके घर के उत्तर दिशा वो कौन सा ऐसा स्टोन है, कौन सा ऐसा कलर है कि उत्तर दिशा में रखने से वहाँ पे पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो अकीक स्टोन का ग्रीन कलर का स्टोन अगर वहाँ की कोई भी पॉजिटिविटी बढ़ानी हो तो एक मल्टी कलर टी ट्री लेके आइए, जेम ट्री लेके आइए जिसमें ग्रीन कलर हो, येलो कलर हो, वाइट कलर हो, ब्लैक कलर हो, हर तरह के हमारे आठों दिशा के 16 जोन के हर कलर उसके अंदर अवेलेबल हो और वो जाके नॉर्थ डायरेक्शन में रख दूंगे तो आपके घर के अंदर नई नई अपॉर्चुनिटी आने से कोई अटका नहीं सकता। क्योंकि आप काम करने तो निकल रहे हो, आपके पास जॉब है, आपके पास बिजनेस है या आपके पास कुछ ना कुछ हुनर है, आप हुनर को मार्केट में भी पेश कर रहे हो पर बदले में पैसा नहीं आ रहा या हुनर पेश करने का आपको मौका नहीं मिल रहा, तो ये जो जेम ट्री है ये जेम ट्री को आप उत्तर दिशा में रख दीजिए और वहाँ जाके देखिए। फिर आपको कुछ ही दिनों में एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र से एक हफ्ते से दूसरे हफ्ते में इसकी पॉजिटिविटी आपके घर के अंदर स्प्रेड होगी सूर्य रोशनी के माध्यम के द्वारा और नॉर्थ जोन यानी उत्तर दिशा की जो स्ट्रेंथ वैल्यू है, वहाँ की जो ऊर्जा है उसको बढ़ाएगी और आपको ऐसा सुख प्राप्त कराएगी धन का कि आप बिलीव नहीं करोगे। आप कहोगे कि मुझे अब मेरे बिजनेस के अंदर, मेरी जॉब के अंदर मुझको फाइनेंशियल, मेरी एक कहते हैं फाइनेंशियल मैं स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ और मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। उसी तरह आपके घर के अंदर हेल्थ का इश्यू है तो आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट को ले लीजिए। हेल्थ का इश्यू जो होता है इम्यूनिटी सिस्टम आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति से कनेक्टेड है, अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट को अगर कोई भी प्रकार से वहाँ वास्तु दोष है, वहाँ नहीं दिखने वाली नेगेटिविटी है तो ये अकीक का स्टोन जेम ट्री नॉर्थ ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन में रख दीजिए। देखिए आपके घर के अंदर छोटी बड़ी बीमारियाँ है कैसे अपना घर से बाहर निकल जाती है और घर के अंदर एक हेल्दी वातावरण डेवलप होता है, निरोगी काया सबको मिलती है, निरोगी जीवन सबको मिलता है और घर में से दवाई नामक खर्चे बंद हो जाएंगे। ये एक केस स्टडी पे आधारित है पर आपको इस पे विश्वास रखना पड़ेगा। मैं पूरी श्रृंखला लेके आया हूं, मैं एक एक जोन के बारे में बताऊंगा। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब बता रहा हूँ मैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में। जिस घर के अंदर क्लियरिटी नहीं है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, पढ़ाई करके क्या करना है, पढ़ाई कर ली, जॉब करूँ, बिजनेस करूँ, कौन सा धंधा लगाऊँ, कौन सी जगह पे जाके मैं नौकरी करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं नौकरी करूँ, जॉब करूँ, बिजनेस करूँ या फिर खुद का नानी छोटी बड़ी दुकान खोलूँ या मैं परदेश जाऊँ या फिर मैं कोर्ट कचहरी में जाके कुछ काम करूँ या मैं आर्किटेक्ट के ऑफिस में जाके जॉब करूँ, कई सारे कन्फ्यूज़न, या मैं ये करूँ वो करूँ, घर के हर व्यक्ति का कन्फ्यूज़न, तो उनकी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आपको नॉर्थ ईस्ट को एक बार देखना पड़ेगा। वहाँ पे आपको कोई भी स्ट्रेंथ नेगेटिविटी लग रही है, कोई नकारात्मक ऊर्जा दिख रही है, आपको समझ नहीं आ रहा तो वहाँ पे भी आप एक जेम ट्री रख दीजिए तो नॉर्थ ईस्ट की भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, जिससे आपको जो क्लियरिटी है, आपको पढ़ाई के अंदर अड़चन है, आपको हेल्थ के अंदर अड़चन है, कोई भी ऐसी अड़चन है जो आप समझ नहीं पा रहे, धीरे धीरे वहाँ से वो वॉश आउट हो जाएगी और वहाँ से वो एकदम क्लियर हो जाएगी। फ्रेंड्स आज की ही वीडियो में ये तीन जोन के बारे में दिखा रहे हैं, कल हम आपको और तीन जोन लेके इसकी पॉजिटिविटी और इससे जुड़े कई ऐसे ट्री भी दिखाएंगे जिससे आपको बहुत इंटरेस्ट डेवलप होगा और आपको ये अकीक के बारे में आप खुद कहीं पे जाके सर्च कर लीजिए तो आपको मेरा कंसेप्ट और वो कंसेप्ट में कोई मतभेद नहीं दिखेगा, कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि जेम ट्री और ये अकीक का स्टोन का जो ट्री है वो 100% पॉजिटिविटी देता है। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।